इस बीच नियोजन नीति को लेकर बवाल जारी है। झारखंड में छात्र गुटों ने कल झारखंड बंद का ऐलान किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री के निधन के बाद बंद की घोषणा को स्थगित किया गया था। 19 अप्रैल को बंद बुलाया गया छात्रों के बंद पर, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी ने छात्रों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। छात्रों की मांग को पूरा करे सरकार, बीजेपी की ये मांग है। तो झारखंड में नियोजन नीति को लेकर बवाल जारी है। आपको बता दें कि छात्र गुट ने कल झारखंड बंद का ऐलान किया, हालांकि शिक्षा मंत्री के निधन के बाद बंद को स्थगित किया गया। 19 अप्रैल को अब बंद बुलाया गया है। तो नियोजन नीति को लेकर झारखंड में छात्र गुट भी अब बटे हुए दिख रहे हैं। कुछ छात्रों ने 19 तारीख को बंद बुलाया है, लेकिन आनन फानन में छात्रों के कुछ गुट ने 10 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाया है। छात्रों के इस बंद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आप सभी प्रेस बंधुओं को सबसे पहले मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। और आप जो देख रहे हैं बापू वाटिका के पास, अभी सभी हम लोग संगठन के जो है आदिवासी मूलवासी छात्र संगठन के तमाम सभी लोग आए हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म उसी के सोच विचार कर लेकर जो 60 और 40 का जो नियोजन नीति जो झारखंड सरकार जो हेमंत के नेतृत्व में जो लाया गया है उसको पूरी तरह से हम लोग विरोध करते हैं। और इस 10 तारीख का जो बंदी था, उस बंदी बहुत पहले से आयोजन चल रहा था छात्रों द्वारा, युवाओं द्वारा, और उसको हम लोग बंदी को आगे बढ़ाते हुए 9 तारीख को हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे भव्य तरीका से। अवस्थानीय जो जितने हॉस्टल है, छात्रावास है, सभी छात्रावास के छात्रों ने हम लोग को समर्थन किया है कि 10 तारीख को बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे अस्मिता की बात है, हमारे रोजगार की बात है, हमारे नियोजन की बात है और झारखंडियों की पहचान की बात है। इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो छात्र संगठन को उस्का रहे हैं और छात्र संगठन के सहारे अपना राजनीति करना चाहते हैं, छात्रों के सहारे, छात्र को आगे करके। अगर नियोजन नीति में लगातार हमारे जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, लगातार उन्हें प्रयासरत है कि एक बेहतर नियोजन नीति यहाँ झारखंड के लिए बनाया जाए, ताकि यहाँ के जो छात्र हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो, युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए दिशा में वो काम कर। अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो मिल बैठ के सबको बात करनी चाहिए, या पक्ष हो या विपक्ष, मिल बैठ के बात करके सबको इसका निदान करना चाहिए, ना कि इसमें किसी को उसका देना है, किसी को बहका देना है कि तुम आंदोलन करो। यदि यही उनको लगता है तो सरकार ही इस्तेमाल कर ले उनका और उनके जो मांग हैं उसको पूरा कर दे। सरकार के खिलाफ आखिर नौजुवक बेरोजगार इस सड़क पर क्यों उतरा राजधानी में? उन्हें वादे नहीं पूरे किए। वो रोजगार मांग रहा है, आपने कहा था 5 लाख रोजगार मैं दूंगा प्रति वर्ष, 3 वर्ष खत्म हो गए, 1 साल तो आपने नियुक्ति वर्ष घोषित किया, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। फिर आपने नियोजन नीति, फिर 1932 और क्या क्या करके आप केवल और केवल युवाओं को धोखा दे रहे हैं। अब युवा जब सड़क पर आ गए तो आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है।